Bismillah ar-Rahman My dear students of class 3, welcome to your class of HODs, that is your second class of HODs, and it will be from May 4 and it will go up to May 16, two weeks. It is always that you know, we have an, a class of HODs for two weeks. Hamisha hamari. क्लास ऑफ़ एचुडीज़ जो है वो दो हफ़्तों के लिए होती है और एक पहले हो चुकी वो आपने पढ़ लिया तैयार कर लिया ऑनलाइन और जो नोट्स बनाने थे बना लिए जो याद करना था कर लिया अब आपकी चार मई से सोलह मई तक दो हफ्तों के लिए ये अगली क्लास है जिसमें हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं चार मई से लेकर सोलह मई तक अगर इसमें से फ्राइडेज़ और संडेज माइनस करें तो ये दस दिन बनते हैं टेन वर्किंग डेज़ तो हमने सोचा कि आप बेशक घरों में हैं लेकिन फ्राइडे और संडे को या तो आप छुट्टी करें या फिर रिवाइज करें जो पिछले चार दिन का काम हो तो इस तरह से ये आपको टेन डेज़ मिलेंगे काम करने के लिए डेज वन टू फाइव आर मेंट फॉर द होली कुरान इंग्लिश उर्दू एंड मैथमेटिक्स चार सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और डे सिक्स टू टेन जो है वो साइंस सोशल स्टडीज़ इस्लामियात एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाएगी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जो मुतबाद हैं आपके स्कूल की क्लासेस का और हम समझते हैं कि ये बड़ा ही इफेक्टिव तरीका है पढ़ने का बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिली है उन्होंने कहा कि बच्चे बड़े खुश हैं बच्चों ने कहा कि हम बड़ा अच्छा सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं ऐसे लगता है जैसे टीचर हमें ही पढ़ा रहा है तो ये बड़ा अच्छा है और हम समझते हैं कि इस तरह से पढ़ के आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं बशर्ते कि आप रोज़ाना पढ़ें रोज़ाना अपनी वीडियोस देखें और उसके मुताबिक आप अपना काम जारी रखें ये दोनों एच ओ डी क्लासेज में जितना सिलेबस पढ़ाया गया है अब थर्ड एच ओ डी में हम आपको आपका समर वेकेशन होम असाइनमेंट करने का जो रजिस्टर है उसकी सोलूशन बताएंगे और आप सत्रह मई से तीस मई तक उसको सॉल्व करेंगे और यकम जून से इन आप हाजिर हो जाएंगे स्कूल में तो फिर इन दोनों एच में कराया गया सिलेबस हम जून के महीने में आपको रिवाइज करा देंगे और जुलाई के फर्स्ट वीक में हम आपका फर्स्ट टर्म टेस्ट लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप घरों में रहकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे आपके पेरेंट्स आपको सुपरवाइज़ कर रहे हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं और ये बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है पढ़ने का जिसे हम छुट्टियों के बाद भी इन जारी रखेंगे ताकि आपकी और बेहतर तरीके से पढ़ाई हो सके तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं सुबह है। है। और तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं वत्तबर रक्समु का और तेरा नाम बरकत वाला है वताला जद्दू का और तेरी शान बड़ी है वला इलाहा गैरुक और कोई इबादत के लायक नहीं और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं आउदु रज़ीम मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूत से बिसमिल्ला हिरमा नहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है अरमान बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है मालिकी यउन क्यामत के दिन का मालिक है ईया का नाम व्याला हम, हम तेरी सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और, और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं ए हमें सीधा रास्ता देखा صراط الذين ان لوگوں, کا ان لوگوں کا انعمت, عليهم انعمت عليهم جن پر تو غير المغضوب عليهم ولا الضالين نہ کہ जिन पर तेरा गजब हुआ तेरा और ना उनका रास्ता, ना उनका रास्ता जो गुमराह हुए, हुए हैं आमीन अल्लाह ऐसा ही कर कुल कराह मुहम्मद आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है

और कोई, और कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं और आरुफ तजी को हम अभी पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह बुनियाद है इसी से सारा कुरान लिखा गया है और इसको अगर सही नहीं इसकी बुनियाद अगर दुरुस्त ना हुई तो ये गलती जो है हमेशा जो है वो रह जाती है लिहाजा आज हम इन हरूफ को बे पढ़ेंगे पहले आपने तरतीब के साथ पढ़ा था अब हम दाएं से बाएं बाएं से दाएं ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे ताकि रट्टा ना हो जो है समझ के पढ़ना है तो आइए मेरे साथ जो है दोहराइये मैं पहले आपको नीचे से ऊपर की तरफ दोहराऊंगा तो मेरे साथ आप ये है हमजा लाम आइन शीन दाल ता आप ऊपर से नीचे की तरफ सा स्कौद गी या अब दाएं से बाएं की तरफ मेरे साथ तो रहिएगा तीसरी लाइन पे आए जा सीन शीन सौद वॉत अब बाएं से दाएं की तरफ फा गाइन, आइन व बीच बीच में से हम पढ़ेंगे कॉ रा जा, या, बा, सीन जीम वाव इस तरह बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है कम से कम तीन दफ़ा आपने ये अमल दोहराना है तो इस तरह आपको जो है ना इसकी पहचान हो जाएगी तो इन आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और तवज्जो से इसके दुराई करेंगे तो इन रूफ़ की छोटे बच्चों को भी पहचान हो जाएगी जी डियर स्टूडेंट्स अब हम कुरानी मजीद का पारा नंबर एक से सबक शुरू करेंगे اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

खाना शुरू करने की दुआ खाना शुरू करने की दुआ खाना शुरू करने की दुआ व अला बरकतिल्ला, खाना शुरू करने की दुआ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू योर सेकंड एचओडी क्लास ऑफ क्लास थ्री और आज हम सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे और इंग्लिश के पीरियड में आप अपनी बुक्स निकालेंगे और आपको पता है आपकी बुक्स कौन सी हैं ऑक्सफोर्ड की है न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक थ्री और हम इसकी रीडिंग करेंगे जहाँ तक हमने लास्ट एच क्लास में रीडिंग की थी उसके आगे से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर थ्री से बसमानरिम स्टूडेंट्स हम अपने यूनिट नंबर थ्री की रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर फिफ्टीन पर मेरे साथ साथ पढ़िए यूनिट नंबर थ्री यूनिट नंबर थ्री द सिंपल Past tense, the simple past tense, the simple past tense, t h e the, s i m p l e simple, p a s t past or t e n s, -s e tense, the simple past tense, the simple past पास्ट टेंस यानी गुजरे हुए जमाने में जो बातें हुई होती हैं जो कुछ देर पहले भी हुआ होता है उसको पास्ट में होने वाली बातें कहते हैं तो इस यूनिट में हम पास्ट टेंस में होने वाली बातें पढ़ेंगे तो देखिए ये इन्होंने नाइन पिक्चर्स दी हैं इसके मुताबिक हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स फर्स्ट पिक्चर में देखिए क्या है और उसके मुताबिक यहाँ सेंटेंस देखिए नंबर वन पे है जमील लुक्ट इन विंडो जब हम प्रेजेंट फॉर्म में बात करते हैं आज के दौर में बात करते हैं तो हम लुक कहते हैं तो ये हमने चूंकि पास्ट के मुतालिक गुजरे हुए दिन के मुतालिक बात करनी है गुजरे हुए वक्त के मुतालिक बात करनी है तो लुक की बजाय हम कहेंगे लोक्ट लोक्ट एल डबल ओ के लुक ईडीड लोक्ड लोक्ट जमील लुक्ड इन दंडो जमील लुक्ट इन विंडो ये देखिए ये क्या कर रहा है पिक्चर वन आपको अगर नजर आ रही है तो आप देखिए कि ये जमील है और ये खिड़की में से देख रहा है तो अब देखिए दोबारा जमील लुक्ड इन विंडो जमील लुक्ट इन विंडो जमील ने खिड़की से देखा खिड़की में से देखा विंडो किसे कहते हैं खिड़की को देखा यानी पहले देखा है ना उसने ये अभी नहीं देख रहा ये गुजरी हुई बात है जमील लुक्ड इन द विंडो नेक्स्ट पिक्चर देखिए ये क्या कर रहा है ये बॉय अगर आपको पिक्चर्स भी साथ साथ नजर आ रही हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बॉय दरवाजे के ऊपर नॉक कर रहा है खटखटा रहा है तो अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ ही एन ओ सी के नॉक आगे ईडी लगाएंगे तो बन जाएगा नॉक्ड He knocked. मैंने पहले भी आपको बताया था इसमें के साइलेंट होता है उसकी आवाज नहीं आती ही ऑन द फ्लोर ऑन द डोर ही ऑन द डोर डी o आर डोर डोर यानी दरवाजा ही नॉक्ड ऑन द डोर ही नॉक्ड ऑन द डोर ही नॉक्ड ऑन द डोर उसने दरवाजा खटखटाया दरवाजे पर दस्तक दी तीसरे पिक्चर में देखिए एक बच्ची है जिसने दरवाजा खोला है और उस, उस सामने कोई खड़ा हुआ है तो क्या होगा उजमा ओपनड द डोर एन -E ओपन और आगे ईडी जब लगाएंगे तो ओपनड बन जाएगा उजमा ओपनड द डोर उजमा ओपनड द डोर उजमा

क्लास रूम क्लास रूम जमील वॉक्ट इनटू द क्लास रूम जमील वॉक्ट इनटू द क्लास रूम जमील ने क्या किया जमील क्लास रूम में चलता हुआ चला गया <coughs> दोबारा पढ़िए मेरे साथ जमील वॉक्ट इनटू द क्लास रूम नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है उजमा क्लोज द डोर आप देखिए क्लोज के स्पेलिंग क्या होते हैं सी एल ओ एस ई और इसके आगे अगर हम डी लगाएंगे तो यही बन जाएगा क्लोज उजमा क्लोज्ड द डोर उजमा क्लोज्ड द डोर उजमा क्लोज्ड द डोर उजमा ने दरवाजा बंद किया दोबारा पढ़े मेरे साथ उजमा क्लोज्ड द डोर उजमा क्लोज द डोर नंबर सिक्स पिक्चर देखिए टीचर कुछ पढ़ा रही हैं द टीचर पॉइंटेड टू द ब्लैक बोर्ड बी एल ए सी के ब्लैक बी ओ ए आर डी बोर्ड ब्लैक बोर्ड द टीचर पॉइंटेड पॉइंटेड द टीचर पॉइंटेड पी ओ आई एन टी पॉइंट ई डी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा पॉइंट द टीचर पॉइंट टू द ब्लैक बोर्ड 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 टीचर ने ब्लैक बोर्ड की तरफ आ, इशारा किया उनको पढ़ाने के लिए अपना हाथ उस तरफ किया द टीचर पॉइंटेड टू द ब्लैक बोर्ड द टीचर पॉइंटेड टू द ब्लैक बोर्ड नेक्स्ट पिक्चर देखिए स्टूडेंट सेवेंथ पिक्चर उसमें क्या है टीचर और स्टूडेंट दोनों खड़े हैं जमील क्लीन द ब्लैक बोर्ड देखिए क्लीन के क्या स्पेलिंग होते हैं सी एल ई ए एन क्लीन आगे ईडी लगाएं तो क्या बन जाता है क्लीनड 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 जमील क्लीनड द ब्लैक बोर्ड जमील क्लीनड द ब्लैक बोर्ड जमील क्लीनड द ब्लैक बोर्ड जमील ने ब्लैक बोर्ड साफ किया ब्लैक बोर्ड जैसे आपकी क्लासेस में व्हाइट बोर्ड होता है कुछ स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड होता है जिसपे चौक से लिखते हैं जमील क्ली द ब्लैक बोर्ड जमील ने ब्लैक बोर्ड साफ किया नंबर एट पिक्चर पे देखिए क्या है द टीचर स्माइल्ड एस एम आई एल स्माइल होता है ना मुस्कुराना तो डी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा स्माइल्ड द टीचर स्माइल्ड द टीचर स्माइल्ड द टीचर स्माइल्ड द टीचर स्माइल्ड टीचर ने क्या किया टीचर मुस्कुराई she thanked t h a n k thank होता है e d लगाएं तो thanked बन जाता है she thanked जमील she thanked जमील she thanked जमील <coughs> she thanked जमील उन्होंने जमील का शुक्रिया अदा किया she said उन्होंने कहा थैंक यू जमील थैंक यू जमील थैंक यू जमील दोबारा देखिए द टीचर स्माइल्ड द टीचर स्माइल्ड द टीचर स्माइल्ड शी थैंक्ड जमील शी थैंक् जमील शी थैंक्ड जमील शी सेड शी सेड शी सेड थैंक यू जमील थैंक यू जमील थैंक यू जमील नंबर नाइन पिक्चर देखिए नंबर नाइन पिक्चर पे क्या है जमील अपनी सीट की तरफ वापस जा रहा है <coughs> तो उसके लिए क्या लिखा है जमील वॉकड आपको मैंने बताया था कि इसमें एल साइलेंट होता है वॉक में डब्ल्यू ए एल के वॉक होता है जब ईडी e एड करें तो बन जाता है वॉकड वॉकड जमील वॉक्ट बैक टू हिज प्लेस जमील वॉक्ट बैक टू हिज प्लेस जमील वॉक्ट बैक टू हिज प्लेस जमील अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गया जमील वॉक्ड बैक टू हिज प्लेस तो स्टूडेंट्स ये आपका आज के दिन का डे वन का पेज है रीडिंग के लिए एक पेज है जिसकी आपने रीडिंग करनी है इस रीडिंग को जो मैंने आपको करवाई है बार बार सुनिए जब आप बार बार ये रीडिंग सुनेंगे तो आपको करनी आ जाएगी और आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चलिए अब हम रिटर्न वर्क करते हैं जी स्टूडेंट्स डे वन पर आपने अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पर ये नोट करना है अब ये क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है चेंज इन टू पास्ट फॉर्म यानी ये जो वर्ड्स दिए हैं एक इस साइड पे हैं देखिए एक दो तीन चार पांच फाइव इधर हैं और सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन वर्ड्स हैं जिनको पास्ट फॉर्म में चेंज किया अभी हम पढ़ रहे थे ना बुक रीडिंग में कि हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ना है तो ये उस इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने इन वर्ड्स को उनकी पास्ट फॉर्म में चेंज करना है ठीक है अभी आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा चेंज इन टू पास्ट फॉर्म इसी तरह आपने क्वेश्चन लिखना है अपनी नीट नोटबुक्स पर चेंज इन टू पास्ट फॉर्म और सेंटर में आप एक लाइन लगाएंगे एक तरफ ये वन टू थ्री फोर करके वर्ड्स लिखेंगे और उनके सामने आप इनकी पास्ट फॉर्म लिखेंगे एक साइड पे आप लिख दीजिए वर्ड्स दूसरी साइड पे आप लिख दीजिए पास्ट फॉर्म वर्ड्स पास्ट फॉर्म तो पहला वर्ड है गो गो इसकी सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होती है वेंट डब्ल्यू एन टी वेंट वेंट गो का मतलब भी जाना होता है और वेंट का मतलब पास्ट में चला गया गो इसकी पास्ट फॉर्म वेंट गो वेंट गो के आगे आप क्या लिखेंगे वेंट अगला वर्ड आप लिखेंगे राइट डब्ल्यू आर आई टी ई राइट और राइट की पास्ट फॉर्म होगी डब्ल्यू आर ओ टी ई रोट 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 राइट रोट रोट आप याद रखेंगे ना राइट right की पास्ट फॉर्म है रोट थर्ड वर्ड देखिए थर्ड वर्ड है डब्ल्यू ई ए आर वियर wear का मतलब है पहनना इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी वोर यानी पहना डब्ल्यू ओ आर ई वोर वोर वोर, थर्ड आपका फोर्थ आपका वर्ड है सी ओ एम ई कम और इसकी पास्ट फॉर्म होगी सी एम ई केम केम कम इसकी सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म क्या होगी केम अच्छा अब आप देखिए आपका फिफ्थ वर्ड है एस डबल ई सी 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 का क्या मतलब है एस डबल ई सी का मतलब देखना और इसकी पास्ट फॉर्म होगी एस ए डब्ल्यू सौ यानी देखा सौ सौ तो पहला वर्ड है गो इसकी पास्ट फॉर्म हो गई वेंट सेकेंड वर्ड राइट इसकी पास्ट फॉर्म रोट वियर वोर कम केम सी सौ अगला वर्ड देखिए सेट एस आई टी सेट और इसकी पास्ट फॉर्म है एस ए टी सेट सेट का मतलब है बैठना सेट का मतलब बैठा ठीक है अगला वर्ड देखिए ये आपका सेवंथ वर्ड है एस टी एंड डी स्टैंड और स्टैंड का मतलब है खड़ा होना और इसकी पास्ट फॉर्म होगी एस टी डबल ओ डी स्टोड यानी खड़ा हुआ stood stood स्टैंड स्टूड एटथ वर्ड है आपका ई ए टी ईट ईट का मतलब है खाना और इसकी पास्ट फॉर्म होगी ए टी ई एट एट जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट होता है ना बिल्कुल वैसे ही एट बोलेंगे इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन है एट एट का मतलब खाया ईट एट अगला वर्ड है ड्रॉ डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ कुछ भी ड्रॉ करना जैसे आप ड्राइंग करने के लिए पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते हैं इसकी पास्ट फॉर्म होगी ड्रियू डी आर ई डब्ल्यू अगला लास्ट वर्ड है टेंथ वर्ड बी यू वाई बाय बाय का मतलब है खरीदना और इसकी पास्ट फॉर्म होगी बी ओ यू जी एच टी बॉट 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 का मतलब है खरीदा तो ये वर्ड्स दोबारा पढ़ते हैं स्टैंड स्टूड ईट एट ड्रॉ और बाय बॉट तो स्टूडेंट्स ये टेन वर्ड्स हैं जिनको आपने पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने ये वर्ड्स अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पे आज डे वन पर लिखने हैं और उनके आगे उनकी ये पास्ट फॉर्म लिखनी है और इसको आपने जुबानी याद कर लेना है आपसे अगर क्लास से पूछे गो की पास्ट फॉर्म क्या है तो आप बता सकें वेंट है बाय की पास्ट फॉर्म क्या है आप बता सके बॉट है तो आपको जुबानी याद होना चाहिए तो डे वन का इंग्लिश का आपका इतना ही काम है असलामेकुम थ्री क्लास वेलकम टू योर सेकेंड एच ओ क्लास और इस एच ओ क्लास में आपका मैथ्स का पीरियड है ये आपकी मैथ्स की बुक है मैं आपको इसमें मैथ्स पढ़ाऊँगी और इसमें हम कुछ पोर्शन फर्स्ट एच ओ में कर चुके हैं और कुछ पोर्शन हम आपको इस थर्ड सेकेंड एच ओ में करें करवाएंगे तो आइए मैथ्स का काम शुरू करते हैं जी थ्री क्लास आइए मैथ्स के पीरियड में डे वन का, का काम शुरू करते हैं जी स्टूडेंट्स अब हाँ, हाँ, हम हम सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज के पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे आइए और देखिए मैं आपके सामने इसको सॉल्व करती हूँ और क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कन्वर्ट द अरेबिक नंबर इन टू रोमन नंबर यानी अरेबिक नंबर लिखे हुए हैं और इसको हमने रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो देखिए कैसे करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मैंने आपको बताया था कि रोमन नंबर्स की जो आ, नंबर्स होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं देखिए टेन और वन अलेवन अलेवन है तो अब हमने क्या करना है टेन टेन का कौन सा है आपका साइन सैंपल वो है एक्स और वन का ये तो ये हो गया अलेवन टेन वन अलेवन और ये टेन का सैंपल है फोर्टीन पहले टेन का सैंपल डालेंगे यानी टेन और फोर फोर को ऐसे लिखते हैं आपको याद होगा ना ये आई वी ये फोर होता है तो ये हो गया फोर्टीन थ्री देखें ये थ्री आईज जो है ये थ्री होते हैं ट्वेल्व सबसे पहले हमने टेन डालना है यानी टेन का सैंपल डालना है और फिर टू डाल देना है तो ये हो गया ट्वेल्व थर्टीन देखें पहले टेन और फिर थ्री टेन थ्री थर्टीन टेन एटीन एटीन में क्या करेंगे पहले टेन और एटीन एट लिखना है तो एट कैसे लिखते हैं आपको पता है ना फाइव पहले लिखेंगे फाइव सिक्स सेवन एट ये इस तरह करना है सेवनटीन टेन और सेवन सेवन के लिए भी पहले फाइव लिखेंगे यानी फाइव सिक्स एंड सेवन इस तरह सेवन आता है ना पता है ना आपको कि ये हमने पिछली एच डी में ये सारे रोमन बार बार किए थे ये उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है जो हम आपके लिए कर रहे हैं अब देखिए फाइव लिखें ये फाइव है अच्छा हमें ऐसे भी करना चाहिए ट्वेंटी देखें ये टेन और फिर ये टेन ये कितना हो गया ट्वेंटी नाइन कितना है नाइन होता है टेन में से वन को हम माइनस करते हैं इस तरफ जो लिखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हमेशा कहते हैं कि उसमें से माइनस होता है टेन में से वन माइनस करें तो ये नाइन होता है अब एट है फाइव पहले फाइव का सिंबल होगा और फिर थ्री एजल लेगा तो ये एट हो जाएगा ये देखें टू ये सारा रिव्यू है हम इससे पहले कर चुके हैं टेन एंड नाइन नाइनटीन और ये है सेवन और ये है And 5, 15. तो ये है आपकी एक्सरसाइज जो कि आपने इसी बुक के ऊपर सॉल्व करनी है अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए. ये पे पे बुक सॉल्व पे नहीं हो सकते मैं अभी आपके सामने सॉल्व करती हूँ वो बहुत ही आप इसको बहुत बारीक बारीक लिखना पड़ेगा तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे करें मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर टू में हमने क्या किया राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स नंबर लिखे हुए हैं उनको हमने वर्ड्स में करना है तो अब आप क्या करेंगे इसको नोटबुक पे ऐसे ही लिखे मैंने आपके लिए इसको टाइप कर दिया है आप इसको नोटबुक अपनी ओपन करें और ये क्वेश्चन वही है जो आपकी एक्सरसाइज uh, में है इसको पढ़े पहले देखिए यहां से पढ़ना शुरू करें तो ये क्या है वंस टेन्स हंड्रेड्स यहाँ पे क्या है थाउजेंड ये क्या है टेन थाउजेंड और ये क्या है हंड्रेड थाउजेंड ये रिव्यू है इससे पहले हम सारे के सारे ये नंबर्स पिछले एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं ये रिव्यू एक्सरसाइज है इसको आपको टेस्ट के तौर पे भी करना चाहिए ये हंड्रेड थाउजेंड है तो हम क्या पढ़ेंगे टू हंड्रेड टू हंड्रेड फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स ठीक है टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री थाउजेंड्स 346. इसके बाद नेक्स्ट देखें यहां से फिर वही गिना ये भी इसके भी सिक्स डिजिट्स है इसका मतलब है ये भी हंड्रेड थाउजेंड है तो ये देखें सिक्स हंड्रेड एंड सेवनटी एट सिक्स हंड्रेड सेवेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर सिक्स हंड्रेड सेवेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर अगला देखिए क्वेश्चन इसको हम काउंट करें यूनिट या वंस भी कहते हैं इसको टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ये टेन थाउजेंड यानी इसको हम नाइनटीन थाउजेंड पढ़ेंगे नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव ठीक है इसको पढ़ें यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड यानी फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड नाइनटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन ये देखे लिखा हुआ है 598,000 यहाँ पे थाउजेंड नहीं लिखा हुआ आप इसको थाउजेंड लिख दें मिस्टेक है ना इसको आपने यहाँ पे थाउजेंड लिखना है ठीक है 598,809 ठीक है तो ये वो एक्सरसाइज है जो कि हमने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करनी है इसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा अपनी नोटबुक पे आप लोग सॉल्व किया करें और इसकी सॉल्यूशन uh, के लिए एक बात और भी जहर में रखा करें कि दोनों तरफ आप एक तरफ uh, जो है वो लगाया करें मार्जिन और मार्जिन के इस तरफ कुछ नहीं लिखना ठीक है अच्छे तरीके से मार्जिन लगा के सॉल्व किया करें जी बेटा अब अगला क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए एट द वर्ड ऑड और इवन टू कंप्लीट दी सेंटेंस करेक्टली हम ऑड और इवन नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं ऑड नंबर कौन से होते हैं जो टू पे डिवाइड नहीं होते और इवन नंबर कौन से होते हैं जो टू पर डिवाइड हो जाते हैं ठीक है द शूज वी बाय विल ऑलवेज बी एन डैश नंबर जब हम शूज लेने जाते हैं तो वो किस के कौन से नंबर में होते हैं हमेशा दो शूज होते हैं ना कभी भी एक जूता नहीं किसी को मिला तो ये हमेशा वो इवन होते हैं जब हम शूज लेने जाते हैं तो वो क्या होता है इवन नंबर होते हैं इन वन डजन एक्स वन डजन एग्स देर इज एन डैश नंबर ऑफ एग्स डजन कितने होते हैं डजन कहते हैं ट्वेल्व को ट्वेल्व तो ट्वेल्व क्या है हाँ ट्वेल्व जो है वो इवन नंबर है ट्वेल्व जो है वो इवन नंबर है ठीक है अब हम आगे देखते हैं देर इज एन डैश नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स ठीक है तो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स में कितने लेटर्स हैं आपको याद है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी तो ये कितने हुए गुड 26 अल्फाबेट लेटर्स होते हैं तो 26 कौन सा नंबर है ऑड या इवन यस इट इज इवन नंबर ठीक है

और स्केयर है कितनी साइड्स होती हैं फोर होती है ये ये स्केयर जो है वो फोर साइडेड होता है तो फोर क्या है फोर इवन नंबर है ओके okay. आसिफ रियाज खालिद रिहान शा, शाहीना शाजिया एंड सरवत आर हैविंग लंच टुगेदर। देयर इज एन डैश नंबर ऑफ गर्ल्स एंड डैश नंबर ऑफ बॉयज अब देखें कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं देखें आसिफ रियाज खालिद रेहान फोर है ठीक है फोर क्या है फोर फोर लड़के हैं फोर बॉयज हैं तो फोर क्या है यस yes. ये फोर तो इवन नंबर्स है और लड़कियां कितनी हैं देखें शाहिना शाजिया सरवत थ्री है तो इट मीन कि लड़कियां जो है नंबर में एन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड इवन ऑफ ऑफ बॉयज द नंबर प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम इज एन डैश नंबर तो टेन होते हैं अलेवन होते हैं यस अलेवेंथ अलेवन प्लेयर्स होते हैं उसमें तो अलेवन इज एन ओड नंबर ओके इवन नंबर हैव डैश 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 इन द वंस प्लेस इवन नंबर हैव में इवन नंबर्स में वंस की जगह पे क्या होता है वंस की जगह पे होता है जीरो टू फोर सिक्स एंड एट ठीक हो गया तो ये इवन नंबर्स होते हैं और ओड नंबर्स के में वंस की प्लेस पे क्या होता है वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन तो ये हमारी कंप्लीट होगी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज तो इसको आपने इसी तरह अपनी बुक पे कंप्लीट कर लेना है जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका काम कंप्लीट होता है अब हम आ, इसके अलावा आपने आज के दिन में टू एंड थ्री का टेबल रिवाइज करना है यानी उसको याद करना है टू एंड थ्री के टेबल को याद करें अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उर्दू की सेकंड एच क्लास में आपका खुश हम उर्दू पढ़ेंगे ये आप देख सकते हैं आपके सामने खूबसूरत सी किताब है हमारी उर्दू किताब तीन के नाम से ये आपकी खूबसूरत सी बुक है अच्छा आइए अब हम अपने सबक का आगाज करते हैं तो हम सबसे पहले डे वन यानी के पहले दिन का सबक पढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स हम आज एच के पहले दिन सबक नंबर तीन पढ़ेंगे सबक नंबर तीन देखिए पेज नंबर फाइव पर है आप पेज नंबर फाइव ओपन कीजिए तो चलें अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हुजूर हजूर सल वसल्लम की जिंदगी का एक वाक्य हजूर सलम की जिंदगी का एक वाक्य स्टूडेंट्स आप इस सबक को मेरे साथ साथ पढ़िए ये इस्लाम से पहले का वाक है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस थी। काबा की इमारत पुरानी हो चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा मुरम्मत की जरूरत थी कुरैश काबा के निगहबान थे कुरैश कौन है ये कबीले का नाम है ठीक है काबा के निगहबान थे काबा की हिफाजत करने वाले थे लिहाजा ये फैसला हुआ के काबा की इमारत दोबारा तामीर होगी और ये काम कुरैश के कबीले आपस में पांट लेंगे जब तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो सवाल उठा के हजरे अस्वद को हजरे अस्वद क्या है ये हजरे अस्वत, ये एक पत्थर का नाम है एक मुबारक पत्थर का नाम है को उसकी जगह पर कौन रखेगा हजरे अस्वत का अपनी जगह पर रखना बड़ी इज्जत की बात थी कुरैश का हर खानदान चाहता था कि ये मुबारक काम उसके सुपुर्द किया जाए यानी कि हर बंदा यह चाहता था कि ये काम वो करे हर बंदे की यही ख्वाहिश थी कि यह मुबारक काम वो अपने हाथों से अंजाम दे वो इस काम की खातिर लड़ने मरने को तैयार थे आखिर ये तय पाया कि दूसरे दिन सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम काबा में दाखिल होगा वही हजरे असमद को अपनी जगह रखेगा। तो स्टूडेंट्स हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली। अब हम इनके मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करते हैं जो कि आप अपनी नोटबुक्स पे लिख लिख के ऊपर उनकी प्रैक्टिस करेंगे पूरे सफे पर और उसके बाद याद करके आप नेक्स्ट पेज पर इसका जुबानी इमला लिखेंगे देखिएगा वाकया इमारत मुरम्मत खुरीश निगहबान हजरे असव खानदान सुपुर्द और हरमे काबा ये तमाम मुश्किल अल्फाज़ हैं, जिनकी आपने प्रैक्टिस करने के बाद इनको अपने अगले सफे पर इमला की सूरत में जुबानी लिखना है जी स्टूडेंट्स पहले दिन में आपने अपनी नोटबुक्स पे क्या काम करना है ये देखिएगा दरखास्त बराए रुख्सत बवजह बीमारी लिखें ये मैं आपको दरख्वास्त पढ़ा रही हूँ आप इसे मेरे साथ साथ पढ़ें और आपने इसको अपनी नोटबुक पर लिखनी है बिल्कुल एज इट इज यानी कि जैसे ये लिखी हुई है पैटर्न का खास ख्याल रखिएगा और उसके बाद आपने लिखने के बाद इसको जुबानी याद करके लिखनी है चले अब हम शुरू करते हैं बिदमत जनाब प्रिंसिपल करलोट रेजिडेंशल कॉलेज इस्लामाबाद उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है जिनाबे आला जिनाब आली इसको आली पढ़ेंगे ठीक है जिनाब आली गुजारिश है कि कल शाम से मेरी तबीयत नासाज है इस वजह से मैं कॉलेज हाजिर होने से कासिर हूं कि छोटा सा कोमा नजर आ रहा है कोमा लगा है। बराए करम मुझे आज 26 अप्रैल 2020 अब आपके पास जो तारीख आएगी आप में तारीख चेंज करनी है अपनी नोटबुक्स में जिस तारीख को आप ये काम लिखेंगे आपने वो वाली तारीख यहां लिखनी है कि रुखसत अनायत फरमाए यहां पर मुकम्मल हो गया जिस टॉप लगाया उसके बाद अगली लाइन में आपने लिखना है नीचे इसी के नीचे अलारिस यहां लिखा है अहमद अब्दुल्ला लेकिन इसकी जगह आपने अपना नाम लिखना है जमात दवम सॉरी ये जमात सवम है ये तीसरी जमात है इसको ठीक कर लीजिएगा जमात सवम है ये आपका पहले दिन का काम जो कि आपने नोटबुक पर लिखना है और इसको आपने जुबानी याद करना है और दोबारा से इसका टेस्ट